दिखाई दे रहे हैं और उन फूलों को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे आग दहक रही हो। अचानक बोला मोर, ये तो शांत वातावरण दिखाई दिया है यहाँ तक। कैसा वातावरण दिखाई दिया है? शांत वातावरण दिखाई दे रहा है। उसके बाद एकदम से अचानक से प्रकृति में परिवर्तन दिखाई दिया। क्या परिवर्तन दिखाई दिया? अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी। अचानक से शांत वातावरण था, शांत वातावरण के अंदर अचानक से मोर के बोलने की आवाज आई। जैसे सब कुछ शांत होता है और एकदम से कोई बोलता है तो क्या होता है? सब कुछ शांत जो होता है वो खत्म हो जाता है। अचानक से मोर के बोलने की आवाज आई, किसी ने आवाज देकर कहा हो, सुनते हो? जैसे कोई किसी को आवाज लगा करके कह रहा हो, जी सुनते हो? तो यह आवाज आते ही जैसे कि मोर की आवाज सुनाई दी, किसी व्यक्ति की आवाज दी, उस आवाज के सुनते ही एकदम से क्या हुआ? चिलम ओंधी हो गई। चिलम जो थी, जिसके अंदर आग दहकती दिखाई दे रही थी, जिससे किसान खींच रहा था, पी रहा था, उसको हुक्के की तरह गुड़गुड़ा रहा था, जैसे वो ओंधी हो गई, उल्टी हो गई, यानी वो आग जैसे खत्म हो गई। धुआं उठा और धुआं उठता हुआ सा दिखाई दिया। सूरज डूबा, सूरज छिप गया है, अंधेरा छा गया। सूरज छिपने के बाद चारों ओर अंधेरा छा गया, यानी रात का समय एकदम से हो गया। जो दिखाई दे रहा था किसान प्रकृति के रूप में, पहाड़ के रूप में दिखाई दे रहा था, सूरज छिप गया, रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो सब कुछ किसान का जो वेश धारण किए हुए दिखाई दे रहा था वो सभी कुछ समाप्त हो गया, यानी दिखाई देना बंद हो गया। तो उसके बंद होते ही ऐसे लगा जैसे चिलम उल्टी हो गई, धुआं उठने लगा और सूरज डूब गया, तो जैसे सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया। तो अंधेरा होने के बाद किसान का जो रूप था वो दिखाई देना भी बंद हो गया। दोबारा से हिंदी देखिए इसकी। आकाश का साफा बांधकर क्या दिखाई दे रहा है कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को? कि आकाश जो साफे के रूप में है, इसमें सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है इसमें, तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मानव का जड़ प्रकृति पर जो आरोप है वह मानवीय भावनाओं का आरोप है। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि जो पहाड़ है वो एक किसान के रूप में बैठा दिखाई दे रहा है, और आकाश है जो वो साफा दिखाई दे रहा है, साफे के रूप में दिखाई दे रहा है, जैसे किसान साफा या पगड़ी बांध करके सिर के ऊपर बैठा हुआ है। ये पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे वह चिलम खींच रहा हो, जैसे हुक्के के ऊपर चिलम लगाते हैं वह चिलम खींच रहा हो। घुटनों पर चादर पड़ी दिखाई दे रही है, कौन सी, किस चीज की? पहाड़ों में से नदी बह रही है, तो वह नदी ही कैसी लग रही है? जैसे किसान ने अपने पैरों पर चादर डाल रखी हो। और उसके पास ही क्या दिखाई दे रहा है? प्लास के लाल लाल फूल दिखाई दे रहे हैं, और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे जंगल में अंगीठी के अंदर आग दहक रही हो, और अंधकार दुरूपों में अंधकार, धीरे धीरे अंधकार फैल रहा है, और उस अंधकार में किसान के आसपास की जो जगह है वहां पर अंधेरा होने से ऐसे लग रहा है जैसे भेड़ों का झुंड वहां पर सिमट करके बैठ गया है। यह सारा प्रकृति का वर्णन दिखाई दे रहा है। तो उसके साथ ही अचानक से क्या होता है कि एक मोर की आवाज आती है, जैसे एक मोर बोल रहा है, मोर की जो आवाज आती है वह आवाज एकदम आई, और किसी और दूसरे ने भी आवाज दी, जैसे सुनते हो यह आवाज दी,
तो एकदम से प्रकृति में परिवर्तन हो गया और परिवर्तन होते ही चिलम उल्टी हो गई, यानी जो लाल लाल सूरज छिपता दिखाई दे रहा था चिलम के रूप में वह छिप गया। इस करके ऐसा लग रहा है कि जैसे चिलम उल्टी हो गई है, धुआं उठने लगा है और सूरज डूब गया है, सूरज बिल्कुल छिप गया है, चारों ओर अंधेरा छा गया है, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो पहाड़ किसान के रूप में दिखाई दे रहा था वह भी अब दिखाई देना बंद हो गया है। इसके बाद इसमें आपको मैंने बताया सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है, खड़ी बोली का प्रयोग है। यह कविता आपने पढ़नी है और इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो उनके आंसर आपको बनाने की कोशिश करनी है और इसके इंटरनल क्वेश्चन भी आपने बनाने हैं। तो यहाँ पर अगले पेज पर ही कवि ने जो भी बताया है इस कविता में उसका पूरा वर्णन पिछले अगले पेज पर दिया गया है, वहां पर आप हिंदी को पढ़ोगे तो आपको और यह कविता समझ आएगी। ठीक है, अब आपको कहीं से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इस कविता में किसी को कहीं से भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। एनी स्टूडेंट? हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। चिलम किसे कहते हैं?